न्यूज के हेडलाइन के प्रायोजक हैं एशप्रा। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक हैं डॉक्टर राणा हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड एंड ट्रामा सेंटर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 16 सितंबर को 6:30 बजे आ रहे हैं अपने गृह जनपद में। गोरखनाथ मंदिर में करेंगे रात्रि विश्राम। गोरखपुर न्यूज से विशेष बात करते हुए उत्तर प्रदेश गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष ने कहा, गौ वंश संरक्षण के लिए पूरी तरह कटिबद्ध है प्रदेश की योगी सरकार। बनाए जा रहे हैं प्रत्येक जिलों में गौ संरक्षण केंद्र। नेशनल हाईवे पर शोर रखकर ग्रामीणों ने सड़क जाम कर किया हंगामा। एसपी साउथ विपुल श्रीवास्तव और एसडीएम सदर प्रतिमेश कुमार ने ग्रामीणों को समझा बुझा कर मामला कराया शांत। आवागमन हुआ चालू। प्रेमी के साथ अपने ही अपहरण और मौत का नाटक करने वाली युवती अपने प्रेमी के साथ चढ़ी चौरी चौरा पुलिस के हत्थे। सीओ चौरी चौरा ने किया घटना का सनसनीखेज खुलासा। सभी भक्तों का मुराद पूरी करती हैं मां विंध्याचल वाली माता। त्रिकोण यंत्र के दर्शन से होता है जीवन सफल। काली खो और अष्टभुजी मंदिर का दर्शन के बिना अधूरा माना जाता है विंध्याचल दर्शन। ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ की 50वीं तथा ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ महाराज की 5वीं पुण्यतिथि पर गुरु श्री गोरखनाथ चिकित्सालय में लगाया गया निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर। 1500 मरीजों ने कराया रजिस्ट्रेशन। जांच के बाद दी गई निःशुल्क दवाएं। पूर्व केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री व राज्यसभा सांसद शिव प्रताप शुक्ला कार्मिक लोक शिकायत व विधि संसदीय कमेटी के सदस्य हुए नामित। पार्टी कार्यकर्ताओं ने दी बधाई। युग पुरुष ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ की 50वीं पुण्यतिथि एवं ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ महाराज की 5वीं पुण्यतिथि समारोह पर भारत की सनातन संस्कृति में गौ सेवा का महत्व विषय पर आयोजित हुई संगोष्ठी। वक्ताओं ने कहा, गौ माता हमारी यज्ञ संस्कृति की प्रतीक। गौ वंश की हत्या है महापाप। शाहपुर थाने में तैनात कैंसर पीड़ित सिपाही राजदीप शर्मा की इलाज के दौरान हुई मौत। गोरखपुर पुलिस ने गार्ड ऑफ ऑनर के साथ कराया अंतिम दाह संस्कार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को साप्ताहिक रूप में मना रहे हैं भाजपा कार्यकर्ता। मरीजों के बीच फल वितरित कर फिर जगाया स्वच्छता की अलख। एसएसपी डॉक्टर सुनील गुप्ता ने रिजर्व पुलिस लाइन स्थित शस्त्रागार का किया औचक निरीक्षण। शस्त्रों के रख रखाव सहित अन्य व्यवस्थाओं का लिया जायजा। गोरखपुर विश्वविद्यालय के मनोविज्ञान विभाग के तत्वावधान में आयोजित किया गया 2 दिवसीय सेमिनार। मनोविज्ञान विभाग के भूतपूर्व अध्यक्ष स्वर्गीय प्रोफेसर लाल वचन त्रिपाठी के जीवन पर की गई चर्चा। काजी साहब की मस्जिद में हज यात्रा से लौटे हाजियों का किया गया इस्तकबाल। ली गई दुआएं। और रचनाकार आरडीएन श्रीवास्तव द्वारा लिखित पुस्तक साथ गुनगुनाएंगे गजल संग्रह का किया गया विमोचन। साहित्यकारों के साथ गणमान्य लोग रहे मौजूद।